बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। जो वॉन न्यूमैन थे, ठीक है, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला सीक्वेंस चल रहा है उसी में आएगा। ठीक। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देने वाले जो थे, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक दो तो हार्वर्ड थे और दूसरे थे आपके वॉन न्यूमैन, ठीक है। जो वॉन न्यूमैन है, इन्हीं के जो आर्किटेक्चर दिया था, जिन्होंने संरचना जो दिया था, उसी पे आज के जो आपके सिस्टम बने हैं वो उसी आर्किटेक्चर पे बने हैं। वही एक तरह से बोला जाए आधार है, वही उसकी जड़ है, ठीक है। वॉन न्यू मैन आर्किटेक्चर इनको बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले, अगर कहा जाए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिया, दो आज की जो भी सिस्टम है, जो भी आपके कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, शिल्पी जी गुड इवनिंग, वो इसी पर बेस है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो एक तरह से बोला जाए इस पर काम शुरू हुआ ना, इस आर्किटेक्चर पर, मार्केट पर जो बेसिस, इस आर्किटेक्चर को बेस बनाकर काम शुरू हुआ, तो वो 1971 का दौर था जब इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अपनाया गया और इस पर जो एक तरह से बोला जाए काम शुरू किया गया। बेसिकली इस पे जो बात करते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वो कुछ आपके यूनिट होते हैं। जैसे क्या होता है मेन, कि मेन मोस्ट मोस्ट क्या होता है, इनके आर्किटेक्चर जो दिया था उसमें वो क्या क्या चीजें थी, चलो देख लें। तो एक तो था आपका जो मेन मेमोरी है, ठीक है, क्या था, मेन मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं एक रफ डायग्राम में जो उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया कि ऐसा ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। बाद में उन सीक्वेंसेस को क्या किया गया, जो भी आपके थे उनको जोड़ा गया और उसी पर आपके क्या हो गए, आपके डिवाइसेस तैयार होती चली गई। उसके बाद से आपका जो आता है, उन्होंने क्या दिया कि भैया एक हमारा क्या होना चाहिए, मेड मेन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सीपीयू, और ये सीपीयू के अंदर क्या होना चाहिए, सीपीयू के अंदर ही आपके रजिस्टर मेमोरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। और इसी में आपका क्या होना चाहिए, एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक बड़ा सा होना चाहिए ALU, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट आपका ये कि इन्होंने बताया कि ये हमारा एक क्या होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, जो आगे चल के हम हार्डवेयर पढ़ेंगे तो इनपुट और आउटपुट वाले को कंसीडर करते हैं। बेसिकली पूरा कंप्यूटर आपको इसी में पढ़ना है, क्योंकि यही संरचना है, यही आर्किटेक्चर है, इसके अलावा कुछ है क्या, कुछ नहीं है भाई। मेमोरी में हम पढ़ेंगे तो पूरा ये पढ़ डालेंगे। मेन मेमोरी की बात किया जा रहा है तो मेन मेमोरी में आपका कौन सा आ जाएगा, रैम हुआ, रोम हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, जब ये इनपुट आउटपुट आएगा तो यहाँ स्टोरेज मेमोरी एक आती है जो इससे थोड़ा हटके होगी, तो ये ध्यान रखो कि यहां पर क्या होगा, वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आपकी संरचना आपकी कंप्यूटर की जो है वो यही है। अब एक एक करके बोलेंगे कि यहां जो मेन मेमोरी है, इसमें आपका जो बोला जाए इसमें क्या स्टोर किया जाता था, तो इसमें जो आपके डेटा होते थे और जो आपका प्रोग्राम होता था, डेटा और क्या प्रोग्राम बोले उसको स्टोर किया जाता था। डेटा के बारे में मैंने आपको समझाया था कि डेटा क्या होता है, कि कोई भी अन एक तरह से बोला जाए कि किसी मैनर में नहीं होता है, कोई सीक्वेंस उसका नहीं होता, कुछ भी हो सकता है डेटा, जैसे कुछ भी लिख दे, ये इंट हो गया ए, ठीक है, कुछ भी लिख दे, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का डेटा है। INT क्या है, एक डेटा है, ठीक है। CHR का है करेक्टर, एक डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई डेफिनेटली अगर हम इसे बोले, जब तक अरेंज ना कर दें एक सीक्वेंस ऑर्डर में, तो जब सीक्वेंस ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंस्ट्रक्शन बन जाता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन का जो कम्बिनेशन होता है वो मेन मेमोरी में होता है।
लेकिन यहीं पे ये वॉन न्यूमैन का कहना था, जो हार्वर्ड साहब थे उन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया वो कहें कि भैया जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उसको कहां रखा जाएगा, अलग रखा जाए, उसको मेन मेमोरी का पार्ट ना बनाया जाए। ठीक, समझ गए? कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी है, बाकी आप लोग ये ब्लॉक डायग्राम समझो। मेन जहां से क्वेश्चन पूछूंगा वो बता देना कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन साथी भी यही आएगा कि जो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जो संरचना है, वो किसने दिया था, तो वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, इसी का अपोज करते हुए हार्वर्ड साहब ने दिया, लेकिन वो चला नहीं, माना गया इन्हीं को। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम देखते हैं। ये सीपीयू हो गया, जो सीपीयू जो बोलते हैं हम, जिसको उस समय एक काम करता था, किसका, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वही आपका एक तरह से सीपीयू की तरह वर्क करता था। ठीक है, इसी में और चेंजेस हुए, वही आपके प्रोसेसर जो लगा है ना, प्रोसेसर, तो एक तरह से सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो ये माइक्रो प्रोसेसर। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहां से कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और उसकी खोज किसने किया था। तो वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था टेड हाफ, इन्होंने 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो है पहला जो है खोजा था। तो ये आपके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, समझ गए? 4004 19 कब खोजा था, 1971 की बात है। ठीक है, 1971 की बात है। आज जो है आपके इसी में प्रोसेसर में कई हो गए हैं, डुअल कोर, अक्टा कोर, ठीक है, ये सब चीजें आने लगे हैं। चलो अब एक एक करके, अब ये हो गया। अब सीपीयू में एक रजिस्टर होता है, ये क्या होता है, ये रजिस्टर होती है एक तरह से, क्या होती है, मेमोरी। और ये रजिस्टर किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है, उन्हीं से बनी होती है। खासकर किससे ज्यादा बनते हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस, जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनते हैं, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनते हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये मेन मेमोरी हमारे पास था, तो हमें रजिस्टर की क्यों जरूरत पड़ी, ये भी एक मेमोरी ही है, ये सोचने की बात आ गई। हां, इसलिए पड़ी कि जो ये एएलयू है बच्चों, ये एएलयू क्या है, इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जितने भी आपके अर्थमेटिक प्रोसेस होंगे, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइडेड हो, या लॉजिकल ऑपरेशन हो, चाहे एंड का हो, चाहे और का हो, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो, वो सब कौन परफॉर्म करता है, आपका एएलयू करता है। मतलब जब आपका जो डेटा चाहे इंस्ट्रक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा सीपीयू के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फाइनली इसके पास आएगा। तो एक्चुअली इसकी स्पीड क्या होती है ना बच्चों, बहुत ही तेज होती है। क्या होती है, इसके काम करने की स्पीड तेज होती है। तो यहां से डेटा यहां तक आने में क्या हो जाएगा, समय लगेगा, मेरी बातों को समझिएगा, तो समय लगेगा, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अब जैसे क्या हो जाए, कहा जाए कि एक तेजी से काम कर रहा है, एक धीरे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके ऊपर लोड होना लगेगा, उस लोड को कम करना, क्योंकि ये तेजी तेजी काम करेगा और फिर ये जल्दी जल्दी मांगेगा, ये समझ ही नहीं पाएगा। इसी वजह से एक सामंजस्य बैठाने के लिए यहां पर रजिस्टर का यूज किया गया कि आप इनके इनके इन दोनों के बीच में, मेन मेमोरी और एएलयू के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करोगे, ताकि इसकी स्पीड मेंटेन रहे, इसे सुस्ताना ना पड़े एक तरह से। जो लोग भी क्लास में हैं एक बार बताते रहें, थोड़ा मेरा भी मनोबल बनता रहे। ठीक है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा ना आ रहा हो तो फिर हम तेजी से पढ़ा के निकल जाए। ठीक है, तो ये रजिस्टर आया। अब इस रजिस्टर में भी कई प्रकार के आपकी मेमोरी आई। अब रजिस्टर में कई प्रकार की जो मेमोरी आई, जैसे इसमें आया एड्रेस रजिस्टर,
क्या आया? एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद से आया डेटा रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद से आया आपका यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सब उसी के अंदर, एक मेमोरी के अंदर है, एक सीपीयू चिप के अंदर ही आपका ये रजिस्टर इनबिल्ट होता है। उसके बाद से इंस्ट्रक्शन के बाद आया तो प्रोग्राम काउंटर। जिसे हम पीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके जो मेन है, ये रजिस्टर आपके आए, ठीक है। चलिए विभू जी मजा आ रहा है, चलिए ठीक है। ये आपके रजिस्टर इसमें बने। अब ये एक्चुअली मैंने बताया आपसे कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते थे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और आपसे पूछता है, एक्चुअली ये क्या होते थे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं, इस मेमोरी को और क्या बोल सकते हैं जो सेमीकंडक्टर से बन के बने होते हैं, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इस मेमोरी की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। क्या कहेंगे? फ्लिप फ्लॉप। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रजिस्टर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या है, सपोज मैं बताऊं, एक फ्लिप फ्लॉप आपका वन बिट डाटा जो होता है, एक बिट डेटा जो होता है वो स्टोर करता है, और ये फ्लिप फ्लॉप का जब कॉम्बिनेशन, मतलब सिक्वेंसियल कॉम्बिनेशन अगर इसको कहें, क्या कहें, सिक्वेंसियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड अ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। और एक्चुअली ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो किसका बना होता है, वो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो मैंने बताया था सेमीकंडक्टर डिवाइसों से बना होता है, जैसे बीजेटी बी, ठीक है ना, आपका बाइपोलर जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर, सॉरी बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपके इससे बने होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, इन सब से ये मिलकर कहीं ना कहीं बना होता है ऐसा। और ये ट्रांजिस्टर डायोड किस मटेरियल के बने होते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं, समझ लो एकदम उससे आगे। ठीक है, तो बस इतना जान लेना कि सबसे फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, एक बिट इसके डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इज फ्लिप फ्लॉप, जो एक बिट डाटा आपका स्टोर करता है। चलो अभी इतना हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद से हम बात करते हैं, तो वही बात है कि यह क्या करता था, यहां से डेटा पहले यहां रजिस्टर में आता था, रजिस्टर में आने के बाद फिर इसको जाता था, फिर वो डाटा जब काम हो जाता था तो फिर कुछ देर के लिए काम होने के बाद वो यहां होता था, फिर मेन मेमोरी में जाता था, फिर वहां से सीधे सेकेंडरी मेमोरी में जाता था, ऐसे ही, क्योंकि इसका काम तेज होता था, ठीक। उसके बाद इसके डेटा और रखे होते थे, फिर अगला जाता था, तो वो एक सिक्वेंस बनाया रहता था। दूसरा इसमें एक चीज है, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब इस कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट दो सिग्नल आपका प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका टाइमिंग सिग्नल, जिसको हम क्लॉक सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? क्लॉक सिग्नल या क्लॉक पल्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका होता है कंट्रोल सिग्नल, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल। अब देखो टाइमिंग सिग्नल क्या होता है, जैसे कई सारे प्रोसेस आपके हैं ना, आपके सिस्टम में कई सारे प्रोसेस आ गए, जैसे सपोज करो आप कार चलाना जानते हो, तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस है कि हमें स्टीयरिंग पकड़ना है, क्लच दबाना है, गियर लगाना है, एक्सीलरेटर लगाना है, वह सीक्वेंस आपके दिमाग में एक प्रोसेस टू प्रोसेस जाना है,
एक एक सीक्वेंस, वो कौन सा सीक्वेंस हम पहले एग्जीक्यूट करें, ये सब हमारे दिमाग में फिड है। कार चलाने की जो प्रक्रिया है, चाहे बाइक चलाने की प्रक्रिया है, शुरुआत में नहीं फिड होता है, तभी तो हम सीखते हैं। लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है, कोई याद नहीं दिलाता, अपने आप उसका रमा जमा है। ठीक है, सपोज करो सिम वैसे ही है, टाइमिंग सिग्नल जो होता है, कंट्रोल यूनिट जो प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है, वो आपका पहले एग्जीक्यूट होगा। कौन सा बाद में, उसके कब, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, किसको कितना समय देना चाहिए, ये सब डिसाइड आपका टाइमिंग सिग्नल करता है। समझ गए? कंट्रोल सिग्नल क्या है? कंट्रोल सिग्नल ये आपके दिमाग की तरह काम करता है, ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। किसकी तरह? ह्यूमन ब्रेन की तरह। इसी वजह से सीपीयू को क्या बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जाता है बच्चों? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये सब कुछ करता है। अगर आपका ब्रेन आपके साथ ना दे, अगर ब्रेन आपका कोई भी चीज प्रोसेस ना करे, देखो सीपीयू में क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग भी होती है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, तो जो इंस्ट्रक्शन है, कमांड का जो जहां रोल आता है, वहां कंट्रोल यूनिट काम करता है, और जहां किसी चीज को प्रोसेस करने का काम आता है, वहां कौन सा काम करता है, वहां पे आपका एएलयू यूनिट काम करता है। ठीक है, एएलयू यूनिट काम करता है, तो वो प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग भी कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें छूते हैं, दिमाग से इंस्ट्रक्शन गया, इसको छू दिए, इस बोतल को छू दिए, तो वो सब उसके पास, जैसे आग है, हम छूने गए, तुरंत सेंसरी से हमारे दिमाग में पहुंचेगा, कंट्रोल सिग्नल कहेगा कि भैया अब ऐसी चीजों से दूर रहना है, वो प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, चाहे हमें कुछ भी छूना होता है तो हमारा दिमाग ही हमें इंस्ट्रक्ट करता है ना, तो वैसे ही आपका ये कंट्रोल सिग्नल है कि सीपीयू आपको जो भी कौन सा डेटा उठाना है, किस मेमोरी से उठाना है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब चीजों के लिए जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, काम करने वाला कौन रहता है? जैसे हमारे यहां हमारे हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, कोई चीज छूने के लिए, कोई चीज उठाने के लिए, कहीं से इसको उठा के इधर करने के लिए, इस बोतल को उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो ये काम को मैंने दिमाग ने इंस्ट्रक्ट किया, इसको उठा के यहां रखना है। सेम चीजें सिस्टम में होती हैं, आपको जो आपका कंट्रोल सिग्नल है वो सिग्नल भेजता है कि डेटा बस बसेस होती हैं, बसेस में बताऊंगा, ये घर, ये जो परिवहन बसेस नहीं, लखनऊ परिवहन वाले नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन वाला बस नहीं होता, काम वैसा ही कुछ होता है। परिवहन बसेस जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, एक जगह से भरती हैं, दूसरे जगह पैसेंजर को उतारती हैं, ऐसे काम करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी है। वो जो बसेस होते हैं, एक्चुअली बसेस क्या होते हैं, बसेस जान लो, बसेस जो होते हैं वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ केबल होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ केबल, जिसके थ्रू जो आपके डिवाइस के कंपोनेंट्स हैं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से कंपोनेंट्स कम्युनिकेट इच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ केबल है जो क्या हेल्प करता है, हेल्प टू कंपोनेंट टू कम्युनिकेट इच अदर। ठीक है, एक दूसरे से, हाँ, बस टोपोलॉजी व नेटवर्क में जो पढ़ते हैं, समझ लो वही टोपोलॉजी है, क्योंकि इतने जो डिवाइसेस हैं शिल्पी जी, जो ये डिवाइसेस, इनको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई टोपोलॉजी चाहिए कि कैसे इनको जोड़ें। जैसे नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वो जोड़ने का एक तरह से प्रक्रिया को, संरचना को टोपोलॉजी कहते हैं। तो सेम यहां बसेस जो होगा वो कलेक्शंस ऑफ केबल्स होंगे, जो हेल्प करेंगे कंपोनेंट्स जो जितने हैं वो आपके क्या कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बस इतना ध्यान रखो। और ये बसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, पूछता भी है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अभी बात करेंगे इस पर, बाद में जिक्र करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे।
तो समझ गए, ह्यूमन ब्रेन की तरह ये काम करता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये जनरल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है इस क्वेश्चंस को, आप लोग भी जानते ही हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल यही कहता है भैया कौन सा डेटा कहां उठा के बस को बताता है, जो डेटा बस होते हैं, एड्रेस बस होते हैं, कि भैया ये डेटा यहां से यहां आएगा, ये एड्रेस से इस डेटा को उठाना है, इनको ले जाके देना है, यहां प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद डेटा को उठा के आप इस रजिस्टर में ले जाओ, फिर मेन मेमोरी में ले जाओ। तो ये सब काम कराने की जो जिम्मेदारी है वो कंट्रोल यूनिट की है। तो बस आप चीजें समझ गए हो। अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, मैंने बता दिया जहां आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हो, प्लस जो आपके हो, कोई भी ऑपरेशन है, चाहे गुणा करना, भाग करना हो, जो भी आपको करवाना हो आपके सिस्टम से, वो सब काम कहां होता है, एएलयू में होता है। उसके बाद से ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट जब लिया जाता है, सपोज करो जब इनपुट लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपका कहां जाता है, इनपुट रजिस्टर में जाते हैं, फिर वहां से मेन मेमोरी में चले जाते हैं, जब उपयोग होता है तो फिर वो चीज आ जाती है वही रजिस्टर में। तो इनपुट के लिए जो कीबोर्ड हुए, माउस हुए, वो सब चीजें यहां पे इनपुट में आ जाएगा। और जब डेटा आपका प्रोसेस होके आता है तो वो कहां किस पे दिखाई देता है हम लोगों को, वो आउटपुट डिवाइसेस पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके न्यू मैन आर्किटेक्चर्स का एक आर्किटेक्चर था जिनमें कुछ कम यूज होते थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आ जाओ, ये फिगर दिख रहा होगा जो मैंने बताया, बस वही चीजें हैं। देखो, मेमोरी यूनिट यहां पे, रजिस्टर में मैंने पीसी बताया, CIR, AC, MAR, MDR ये सब बताया, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, वही चीजें हैं। एक्युमुलेटर एक मैंने नहीं बताया था, अच्छा यहां पे ध्यान रखना, एक होता AC, एक्युमुलेटर, ठीक है, एक्युमुलेटर रजिस्टर होता है। इसका क्या काम क्या होता है कि कोई भी डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करना, सपोज कर रहे हो कुछ देर के लिए होल्ड करना, वो एक्युमुलेटर, कोई भी डेटा आया, जैसे मान लो कोई डेटा पे काम हुआ, एएलयू ने रिजल्ट दिया, उसको कुछ देर के लिए एक्युमुलेटर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है एक्युमुलेटर रजिस्टर। मैंने सबका काम आपको बता ही दिया कि क्या कैसे क्या क्या काम करते हैं। अब थोड़ा सा इन सभी के काम के बारे में जिक्र कर लेंगे जो आपके छोटे रजिस्टर्स होते हैं, कि एक्युमुलेटर रजिस्टर का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है, डाटा रजिस्टर का काम क्या होता है, और एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो होगा वो मेमोरी होगी। ठीक, उसके बाद से हम बनाते हैं यहां पर एड्रेस रजिस्टर। काम मैं समझाऊंगा एक एक ब्लॉक डायग्राम बना के। उसके बाद से डेटा रजिस्टर, उसके बाद एक्युमुलेटर, ठीक है, एक्युमुलेटर रजिस्टर, उसके बाद से आपका आएगा प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। अब जो होंगे यहां पे, एक होता है वैसे बहुत कम ही एक कहीं आपको टेम्पररी रजिस्टर, फिर आपके इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनसे आपको नहीं रखना है, मतलब ये बाहर ही होते हैं एक तरह से, ये इस आर्किटेक्चर से अगर हम बोले तो इनसे थोड़ा इनका मन वो नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मेमोरी है। अब मैं मेमोरी में बता दे रहा हूं कि मेमोरी का कोई साइज होता है, मेमोरी की जो एड्रेसिंग होती है उसको वर्ड या बिट एड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे वर्ड क्या होता है, एक्चुअली
ये ध्यान दो कि जो भी हमारा एक वर्ड होता है कि वो कितने बिट का होगा। एक वर्ड जो हो गया, मान लो ए है, वो कितने बिट का है, इसी को बोलते हैं। जैसे हर सिस्टम में अलग अलग होता है, आजकल 32 बिट 64 बिट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं ना, तो एक कैरेक्टर का, एक वर्ड का जो साइज होता है मैक्सिमम अभी तक जो आ रहे हैं उसमें 2 बाइट 4 बाइट के भी होते हैं, तो वेरी करता रहता है। इसीलिए हम आज के जमाने में बिट मेमोरी को बिट एड्रेसिंग ना बोल के वर्ड एड्रेसिंग बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो होगा वो सिस्टम टू सिस्टम इसके साइज चेंज होते रहते हैं। नहीं तो वैसे तो कहा जाता है कि हाँ इतने बिट का मेमोरी में, लेकिन बिट क्या है, पहले के समय में सही था, लेकिन आज के समय में इतनी चीजें आधुनिक हो गई हैं, ठीक है, इतनी चीजें आधुनिक हो गई हैं, तो उसमें केस में वर्ड एक सही तरीका है मेमोरी की एड्रेसिंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वो साइज कुछ भी हो सकता है कि एक वर्ड को जितना स्पेस चाहिए, ठीक है, वही आपका मेमोरी एड्रेसिंग होगा, तो वो बात है। तो यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, जैसे मैं कह रहा हूं 4096 इंटू 16 कर दूं, तो ये एक मेमोरी का साइज है। इस मेमोरी के साइज में जो ये 4096 है, ठीक है, तो 4096 का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक मेमोरी हो गई आपकी, मान लो ये सपोज करो ये मेमोरी है, और इस मेमोरी में ये आपके क्या है, स्लॉट्स बने हुए हैं कुछ भी रखने के लिए, आपके दिमाग में भी हर चीजें कहीं ना कहीं स्लॉट वाइज स्लॉट स्टोर होती है, और आपके मेमोरी भी ऐसे कहीं जैसे लाइब्रेरी में जाते हो तो साइंस की बुक अलग, चाहे आप लोग भी अपना घर में जो रखते होगे बुक सेल, तो उसमें साइंस की अलग हो गई, मैथ्स की किताबें अलग हो गई, पॉलिटी की अलग हो गई, तो वो उसे क्या हो जाता है, एक तरह से निकालने में आसानी होता है। तो स्लॉट्स में डिवाइड होती हैं चीजें, तो ये स्लॉट्स में डिवाइड होता है, तो जो स्लॉट्स है ना, यही कि कितने स्लॉट्स हैं, तो जो ये आगे किसी मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है 4096 इंटू 16, ठीक है, तो इतने आपके क्या होंगे, 4096 आपके क्या हो जाएंगे, वर्ड हो सकते हैं, मतलब इतने वर्ड हो सकते हैं, मतलब इतने स्पेसेस इसमें हो सकते हैं। ये 4096 कुछ नहीं है, 2 की पावर 12 है, इसी को 4096 बोलते हैं, ठीक है। तो इतने स्लॉट्स हो सकते हैं मेमोरी के, इतने वर्ड्स हो सकते हैं, और हर एक वर्ड का एक साइज होगा, और वो साइज क्या है, 16 मतलब कितना, 2 बाइट बराबर तो 16 बिट्स होगा, जाहिर सी बात है, ये जो बताता है वो बिट्स बताता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, जनरल क्वेश्चन है, 8 बिट्स होते हैं, तो 16 बिट्स होगा, तो मतलब एक जो वर्ड होगा वो कितने का होगा आपका, 16 बिट्स का होगा, समझ गए, एक वर्ड जो होगा वो 16 बिट्स का होगा, और जो ये आपका होगा, ये टोटल ये आपके स्लॉट्स होंगे, वो कितने होंगे, 2 की पावर 12 स्लॉट्स होंगे। जैसे स्लॉट्स कैसे, इसका जो एक एक स्लॉट का एक एड्रेस होगा वो कैसे होगा, जैसे मान लो इसका एड्रेस होगा 0000, ऐसे 12 जीरो होगा, ऐसे इसी तरह आपके इसका क्या होगा 00001, ऐसे करते करते यहां का जो एड्रेस होगा 1111111 12 1 होंगे, ठीक है, तो वो आपके होंगे। और इसमें जो डेटा होगा ना उस, वो 16 बिट में होगा, वो किस में होगा, 16 बिट्स में होगा, एक एक वर्ड बोला जाए तो वो 16 बिट्स में डेटा होगा, उसकी जो साइज होगी वो 16 बिट्स की होगी, तो वही वर्ड की साइज होगी, वही मेमोरी की साइज होती है, ऐसे होता है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये एड्रेस रजिस्टर है, तो एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है बच्चों कि जब जब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी डेटा आपको उठाना होगा, सपोज करो किसी एड्रेस से आपको डेटा उठाना है, किस एड्रेस से उठाना है, ये क्या करेगा, जब एड्रेस रजिस्टर है इसमें, ठीक है, ये एड्रेस रजिस्टर मेमोरी को देगा एड्रेस, समझ गए, इसमें क्या होगा, एड्रेस होगा, किसी भी डेटा का एड्रेस होगा इस रजिस्टर में, ये एड्रेस रजिस्टर जब मेमोरी में जाएगा तो इस पे प्रोसेस होगा, इसको डिकोड किया जाएगा और इसका एड्रेस ढूंढा जाएगा मेमोरी में। तो मान लो इसका एड्रेस ये हुआ, मिल गया, तो यहां पे जो डेटा है
उसको ले आया जाएगा, और ले आने पर कहां रखा जाएगा, डेटा रजिस्टर में रखा जाएगा। तो अगर आपसे साइज पूछे कि एड्रेस रजिस्टर की साइज कितना हो सकता है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो एड्रेस रजिस्टर क्या हो सकता है, देखो एड्रेस रजिस्टर क्या है, एक्चुअली एड्रेस रजिस्टर ये है, तो एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होगा, 4096 है ना, मतलब 2 की पावर 12, तो ये कितने बिट्स का हो सकता है, जो आपके एड्रेस रजिस्टर होंगे वो कितने बिट्स का हो सकता है, वो 12 बिट्स का हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 11 तक इसकी होगी, ठीक है, 0 से लेकर 11 तक होगी, क्योंकि 0 को काउंट करोगे 0 1 2 3 ऐसे, तो 11 तक जाओगे तभी तो 12 होगा, टोटल 12 बिट इसमें होंगे, 0 से 11 तक काउंट करोगे तो 12 बिट, तो एड्रेस रजिस्टर का साइज कितना होगा, 12 बिट, मतलब जितना यहां आगे वाला लिखा होता है। ऐसे ही डेटा रजिस्टर, तो मैंने बताया इसके अंदर इस ये मेमोरी है, मेमोरी का स्लॉट है, और हर स्लॉट में डेटा रखा है, और डेटा की साइज कौन बताता है, जो ऐसा लिखा होता है, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, 16 बिट्स, तो डेटा की साइज क्या होगी, 16 बिट्स होगा, तो इसका मतलब डेटा जो इसमें रखा जाएगा वो कितना रहेगा, 16 बिट्स का, मतलब 0 से लेकर 15 तक का रहेगा वो, ठीक है, 16 बिट्स। अब एक्युमुलेटर क्या करता है, एक्युमुलेटर मैंने बताया, एक्युमुलेटर में डेटा रखा जाता है, ना कि कोई एड्रेस रखा जाता है, डेटा कैसा हो, जैसे किसी डेटा पर काम करना हो तुरंत, तो किसी टेम्पररी होल्ड के लिए उस डेटा को इसमें रख दिया जाता है, या कोई डेटा ALU के द्वारा प्रोसेस करके मान लो उसमें काम हो गया और उसे भेज दिया गया कि भैया जाओ, तुरंत वो कहां मेमोरी में वापस नहीं चला जाता है, वो पहले कुछ देर ALU में जाता है, फिर ALU डिसाइड करके कंट्रोल सिग्नल उसको जहां उसकी सही जगह है वहां भेजता है। जीरो से इसलिए कि जो हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें 0 और 1 ही चलता है आपका, तो जो आपका 0000 होता है ना, मान लो मैं अगर 3 बिट की बात करूं, तो 3 बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0000 001 010, ठीक है, उसके बाद 0111, उसके बाद से यहां पर 1 करोगे तो 100 111 110 110 111, तो ये आपके 3 बिट में इतने मेमोरी आएंगे, अगर 3 बिट हैं तो उसके इतने स्लॉट्स होंगे आपके, ठीक है, इतने स्लॉट्स होंगे, समझ गए, तो ये आपके होंगे 00, मतलब ये पहला है पोजीशन, मतलब उसका वो पहला पोजीशन होता है, 0 पोजीशन पहला पोजीशन कहा जाता है, ठीक, ये आपका आपका दूसरा माना जाएगा उस केस में, तो इसको लिया जाता, क्योंकि हम कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो बाइनरी में हम इसको अगर उसमें कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो हम डेसिमल में कहां से पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम हमारा 0 से तो स्टार्ट होता है, तो ये 0 कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में 000 क्या कहलाएगा, 0, और ये 001 क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, ठीक है, यही होती है एड्रेसिंग मोडिंग। अब इतना समझ गए, तो वो क्या आएगा, एक्युमुलेटर में एक्चुअली क्या आता है, डेटा आता है ना कि और कुछ, तो डेटा का साइज कितना होगा, 0 से लेकर 15, मतलब डेटा भी 16 बिट्स का होगा यहां पर। अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है ये जान लो, प्रोग्राम काउंटर का क्या होता है काम, कि प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली क्या करता है आपका, वो इंस्ट्रक्शन जो आपका अगला फेच होने वाला है उसका एड्रेस शो करता है, इसका काम क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, ये शो करता है एक तरह से, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच करोगे जो लोगे उसका, जैसे सपोज करो मान लो कोई इंस्ट्रक्शन यहां IR1 पहले यहां पड़ा हुआ है, ये फेच हो गया, मान लो ये फेच हो गया, ये आपके द्वारा ले लिया गया कि यहां जो भी डेटा था, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जब 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 आप इसको लोगे ना, उससे पहले ही प्रोग्राम काउंटर इसको लोकेट करने लगता है कि अब अगला डेटा यहां से लेना है, मतलब जो अगला डेटा जहां से लेना होगा जिस मेमोरी स्लॉट से, प्रोग्राम काउंटर ऑलरेडी
क्योंकि भाई ईएलयू बहुत तेजी से काम करता है, तो इतना फास्ट इन सबको होना पड़ेगा। तो प्रोग्राम काउंटर ऑलरेडी अगला जो डेटा कहां से उठाना है वो शो करता है, तो वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कहां से उठाना है, नेक्स्ट मेमोरी कहां से उठानी है वो आपका क्या है बताता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या बताता है आपका एड्रेस बताता है आपका, ये क्या बताता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से उठाना है, कहां का मतलब कौन कहां से आया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से उठाना है मतलब उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो एड्रेस कितने बिट का होगा, 0 से लेकर 12, मतलब टोटल 12 बिट्स का, 0 से लेकर 11, 12 बिट्स का होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर आपका 12 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है यहां पे 2 बिट होती है, 0 या 1 कोई हो सकता है, ठीक है, और यहां पर होता है अपकोड और यहां होता है ऑपरेंड, ठीक है, अपकोड और ऑपरेंड, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है। अपकोड मतलब ऑपरेशन कौन सा करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, एडिशन क्या करना है। ऑपरेंड मतलब किस पर करना है, किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर करना है या कहां करना है, ठीक है, वो चीज हो गई एक तरह से, तो वो मेमोरी को बताएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये क्या बताएगा, एक एड्रेस बताएगा कि कहां ऑपरेंड किसके ऊपर करना है, तो वो एक एड्रेस बताएगा। तो ये 0 से लेकर 11 तक, ठीक है, और ये जो होगा आपका ये 3 बिट्स का होगा ऑपकोड, और बाकी ये आपका 1 बिट ये होगा। तो ये टोटल जो होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट का होगा, 15 बिट का होगा, 0 से लेकर 16 बिट का होगा। ये एक डेटा होता है आपका, जो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक डेटा है, इंस्ट्रक्शन क्या है, डेटा कि उस पर काम क्या करना है। तो 0 से लेकर 15 का होता है, जिसमें ये 0 से 11 आपके क्या होते हैं, एड्रेस होता है। अब इसका मैं बता दूं एक्चुअली होता क्या है कि मान लो जैसे ये चीज है, कहीं यहां लिखा हुआ एड 856, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है 0, जैसे इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ लिखा है, ये मान लो मेमोरी है और यहां है 0, यहां लिखा एड, यहां लिखा 856, ठीक है। तो यहां जब 0 होगा, देखो यहां जब 0 होगा ना, तो ये कहेगा डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये क्या बताएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग बताएगा, मतलब डायरेक्ट एड्रेस को ही बताएगा। वो एड्रेसिंग क्या होती है ज्यादा आपको जानना नहीं है, बस मैं जितना बता रहा हूं उतना जानो। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होगी कि जैसे यहां 0 लिखा है, ऐड 856 लिखा, तो ये जान रहे हो ना, ऐड ऐड लिख दिया, तो ऑपरेशन क्या होना है, एडिशन होना है। 856 0 मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो 856 मान लो इसमें कहीं आपका ये क्या है, मेमोरी एड्रेस बता रहा है कि 856 में जो डेटा है, मान लो यहां 856 का एड्रेस है, यहां पर जो डेटा है उसका एडिशन होना है, क्या होना है, उसका एडिशन होना है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई, ये क्या हुई कि यहां से हम उठ के तुरंत यहां आ गए, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। अगर यहां 0 ना होके यहां 1 होता तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता कि सपोज करो कि ये जो 856 है, जब 1 हो जाता तो हम 856 में आते, तो यहां पर भी हमें कोई एड्रेस मिल जाता, मान लो मिल जाता 11 12, ठीक है, 11 00, 12 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 और 0 में ये सब फॉर्मेट चलेगा हमारा, ठीक है।
वो 856 जो है एक्चुअली यहां पे 856 जो लिखा रहेगा वो बाइनरी के फॉर्म में लिखा रहेगा, मतलब 000 के फॉर्म में लिखा रहेगा उसका एड्रेस, ठीक है, 0001 के ही फॉर्मेट में। तो अगर यहां मिला हमें कुछ ऐसा तो ये भी एक एड्रेस बता रहा है, तो इसका मतलब अब यहां से हम फिर से मेमोरी में चले जाएंगे इस वाले में जहां जो ये एड्रेस होगा 1110। तो जब हम इसमें जाएंगे यहां पे जो डेटा अगर मिलता है तो समझ लो उस पे ऑपरेशन होना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक बार यहां से यहां आए, फिर यहां जो एक एड्रेस मिला, फिर उस एड्रेस पे गए, फिर वहां से डाटा उठाए, तब ऑपरेशन हुआ एडिशन का। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगी। तो ये समझ गए, तो ये चीजें हैं इसमें, ठीक है, ये चीजें होती है एड्रेसिंग, मतलब कि आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसी में जो ये पहले ऊपर शुरुआत का जो बिट्स होता है उसको बोलते हैं एमएसबी, और लास्ट का जो बिट होता है उसको बोलते हैं एलएसबी, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ये भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आज मैं यहीं तक बताऊंगा आपको, ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करेंगे, इन सभी को कंबाइन करेंगे कि कैसे आपका बसेस, कल बसेस पर जिक्र करेंगे कि ये चीजें कंबाइन होंगी एक प्रोसेसर में, होंगी माइक्रो प्रोसेसर में, उसके बाद से वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो थोड़ा सा डेटा बस एड्रेस बस उसके बारे में बता के, कंट्रोल सिग्नल के बारे में बता के हम आगे पहुंचेंगे कहां, इंस्ट्रक्शन साइकिल पर। वहां से क्वेश्चन कुछ पूछता है तो उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि जैसे इंस्ट्रक्शन को कोई डेटा हम फेच करते हैं ना, तो पहले वो फेच होगा, फिर क्या होगा, आपका डेटा जब फेच होता है तो वो डिकोड होता है कि आखिर क्या कह रहा है, डिकोड होगा तो कौन से एड्रेस से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीजें, फिर उस पर काम होगा, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा, फिर उसका स्टोरेज होगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है जिसे मशीन साइकिल भी, एक मशीन साइकिल के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो कल हम ये मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल पर जिक्र करेंगे, ठीक है। तो बाकी सभी लोग जो पढ़े वो समझ में आया तो एक बार जरूर बताना, अच्छी लगी क्लास तो जरूर बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाली है। और अभी जो है आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड अगर ये बैच पढ़ लेते हो ना, तो अभी जूनियर वो उसमें नवोदय विद्यालय में जो आपका वैकेंसी आया है उसके लिए जो 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर पूछेगा, एकदम लाजवाब हो जाओगे, और पूरा का पूरा जबरदस्त वही क्राइटेरिया है, वही सिलेबस भी रहेगा, वही उतना पूछेगा भी, वही चीजें एलिजिबिलिटी भी मांगी है। तो मेरा कहना है कि जितने लोग भी हो वो खासकर जो 600 समथिंग पोस्ट है उसकी जूनियर स्टेटिस्टिकल वाली, उसको जरूर आप लोग भरिए। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।